बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और उम्मीद है ईद का दूसरा दिन बड़े खैर खैरियत से, बड़े अच्छे तरीके से आपने सेलिब्रेट किया होगा। और हमेशा जब भी हम ईद कुर्बान की बात करते हैं तो कुर्बानी का मतलब जो है उसका अच्छे से समझना और उस पर अच्छे से अमल दरामद करना बड़ा ज़रूरी होता है। कुर्बानी का मतलब ये नहीं कि जानवर ज़बह हुआ, गोश्त बांट दिया और चीज़ें ख़त्म हो गई, कुछ अपने फ्रीज़र में रख लिया, कुछ बाहर रख लिया। मैं हर सेगमेंट में शुरू होने से पहले आपको बार बार ये रिमाइंड ज़रूर करा रही हूँ कि उन लोगों का ख्याल रखें जो सारा साल ये गोश्त नहीं खा सकते। आप अपने लिए तो शायद मैनेज कर सकते हैं, अगर आप साहिब हैसियत हैं और कुर्बानी कर रहे हैं इसका मतलब कि आप साल में कभी भी अपनी मर्ज़ी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जेब इजाज़त नहीं देती, जिनका बजट इजाज़त नहीं देता, उन लोगों को डेफिनेटली ज़रूर याद रखिएगा, तभी आपकी इस कुर्बानी का जो हुस्न है वो पूरा होगा। अब हम चलते हैं मेहमानों की तरफ और आई एम श्योर आपके घर में भी ढेर सारे मेहमान आए होंगे, लेकिन साथ साथ जो है वो हम अपने सिटी 42 के प्लेटफॉर्म से भी आपकी ऐसी ख़ास शख्सियात से मुलाकात का सिलसिला जारी रखे हुए हैं जिनको अमूमन हम TV स्क्रीन पर देखते हैं। लेकिन इस तरह के शोज़ में जहाँ लाइट नोट पर गुफ्तगू हो रही हो तो बड़ा मज़ा आता है उस कॉन्वर्सेशन का, और इस तरह से हम भी आपके ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम का हिस्सा बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं जिनका तारुफ करानी चाहूंगी जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो मेरे बड़े फेवरेट हैं। आज मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बचपन से मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि फिर इब्रार भाई डांटते हैं कि बचपन ही कह दिया, सीधा नाम ले दिया मैंने। ऐसे सीजंड लेजेंड स्टार हमारे साथ मौजूद हैं जिनमें स्टारडम बिल्कुल नहीं है। जब से मैं इनको देखती आ रही हूँ इनसे मुख्तलिफ मुलाकातों में, इंतहाई हम्बल, इंतहाई खुश अखलाक और ख़ूबसूरत इंसान है कि साल हर साल गुजर जाते हैं लेकिन इनकी मोहब्बतों में, इनसे जो लोग मोहब्बत करते हैं, इनके जो लोग फ़ैन हैं, इनको जो लोग पसंद करते हैं, इनके जो काम को पसंद करते हैं, वो सीजनड है, वो हमेशा कायम दायम रहता है। और देर इज़ नन अदर देन इब्रारुल हक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ईद मुबारक आपको भी और इतने अच्छे तारुफ के लिए शुक्रिया भी। एक शेर किसी ने कहा था कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा और तेरा तुझको सौंप दूँ, क्या ला गया है मेरा। क्या बात। सो मल्टीप्लाई बाय जीरो करना बड़ा ज़रूरी होता है अपने आप को, इतनी सारी तारीफें नहीं करनी चाहिए। इब्रार भाई कसम से आपने देखा मेरे हाथ में कोई कार्ड नहीं है और अक्सर लोगों को लगता है शायद सामने लिखा हुआ हमें मिलता है, मेरी प्रोड्यूसर से कोई बात नहीं हुई और मैं कसम खाने को तैयार हूँ मुझे किसी ने नहीं कहा। ये सब कुछ दिल से निकला, आपकी शख्सियत ऐसी है, पर्सनैलिटी ऐसी है कि अल्लाह ताला इस काबिल बनाए, जैसा आप कह रही हैं इस काबिल बनाए। और इखलाक की आपने बात की ना, मेरा आजकल पैगाम सबके लिए यही होता है भाई बहन, और ईद कुर्बान है, हम आप बकरा कुर्बान करते हैं या कोई जानवर कुर्बान करते हैं, लेकिन इसके पीछे जो असल मंतक है वो तो ये है कि अपनी कोई अज़ीज़ तरीन चीज़ जो है उसकी कुर्बानी देनी है, और अज़ीज़ तरीन चीज़ हमारी ईगो भी हो सकती है, हैं, हमारी अना भी हो सकती है, तो असल कुर्बानी उसकी कुर्बानी है। बिल्कुल सही। जो मान जाने में मज़ा है, किसी को मना लेने में मज़ा है, किसी को राज़ी करके अल्लाह को राज़ी करने वाली कुर्बानी है, चाहे आप कभी कभार दुरुस्त भी होते हैं तो फिर भी मान जाने में जो मज़ा है, तो वो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी कुर्बानी है। जानवर तो सारे ही कुर्बान कर लेते हैं, इसका मानी जो है इससे बहुत डीपर है। तो ये मैं ज़रूर लोगों से कहूँगा, क्योंकि शुरू में ये बात आपने अखलाक कर दी। सूफीज़म से आपका जो बहुत गहरा ताल्लुक़ है वो हमेशा आपकी बातों से, आपकी गुफ्तगू से झलकता भी है, और एक अलग तरह का मैसेज जो आपने दिया मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने ये बोला। शायद आम लोग ये सोचते नहीं हैं इस बारे में, या हम अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हैं कि चलो जी जानवर कुर्बान हो गया, फ़र्ज़ अदा हो गया, लेकिन ये वाली बात बड़ी अच्छी है। एंड आई थिंक बात ही ये है, असल कुर्बानी ही अना की कुर्बानी है। बिल्कुल, अल्लाह हमें ये समझने की तौफीक अता फरमा दे। हम हमारे ज़्यादातर झगड़े आप देखें अना की बुनियाद पर होते हैं कि मेरी इज़्ज़त में कमी वाक़या हो गई है, पंजाबी में कहते हैं साड़ी रह नहीं रहिंदी अगर हम ये ना करें। तो ये दही इलाके पाकिस्तान में जो है वो 70% है, उनमें जो मोस्टली झगड़े ही है ना वो इस बात। बिल्कुल ठीक है। और जो साल हर साल नस्ल दर नस्ल चलते हैं और रूट कॉज देखें तो वही अना का कि साड़ा पार नहीं रहा, साड़ा पार होना चाहिए। वो मदीना पुराना जो था ना नबी करीम सल्लम से पहले का, उसमें वो यही था ना, कहता था कि कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पर झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पर झगड़ा, कहीं यूँ ही होती रहती थी तकरार उनमें, और यूँ ही चलती रहती थी तलवार उनमें, वो जो छोटे छोटे छोटे। अब हमें दोबारा महसूस होने लगा है, मुझे याद है हम गुजरात में रहते थे तो मैं एक स्कूल था हमारा, एक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, वहाँ बड़े बच्चे पढ़ते थे हाई फाई, एक फिर बिल्कुल पंजाबी मीडियम स्कूल था, उसमें वो डिफरेंट, उसमें लड़ाई इस बात पे होती थी तू वे ना कहीं तो मेरा उन्हें क्या अच्छा वेख्या ही तो फिर किया, उन्हें कहा थोड़ी उधर से लड़ाई शुरू हो जाती। तो मकसद यह बात करने का कि आज हम वी नीड टू ग्रो
ग्रो ओल्ड ग्रो अप, हमारी अपने नफ्स से भी बाहर और उसको मारना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। और जब हम मैं बात कर रही हूँ, जब हम स्टार्स की बात करते हैं, ऐसे लोगों की बात करते हैं, तो इब्रार भाई को जितनी मोहब्बत, जितना प्यार, जितनी इज्जत लोग देते हैं, उसमें मज़ीद इजाफा हो गया जब कुछ साल पहले, बल्कि अब साल हो गए काफ़ी, और माशाल्लाह काफ़ी इस्टेब्लिश है वो फाउंडेशन जो आपने इंसानियत की खिदमत के लिए बनाई, सारा फॉर लाइफ ट्रस्ट, और उसमें जिस तरह से खूबसूरत तरीके से आपने वो पूरा एक सिस्टम डेवलप करने के बाद, आज वो उससे लाखों करोड़ों लोग अब तक फ़ायदा उठा चुके हैं और उठा रहे हैं। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिस पर पहले भी बड़ा काम हुआ, लेकिन सस्टेनेबिलिटी बहुत चंद एक को मिली, और उनमें ये आपका जो ट्रस्ट है ये भी शामिल है। और इसको जब आपने पूरा टेकअप किया और लेकर चले, तो मैं ये सिर्फ सारे का सारा इसका क्रेडिट आपको नहीं देना, एक और भी शख्सियत हैं जिन्होंने इसके ऑपरेशंस को देखा, जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया जीरो से लेकर अब तक, अपनी हर मेहनत उसके अंदर लगाई, और आपके साथ एज अ बड़ा भाई तो वो हमेशा रहे, वो जैसे कहते हैं ना मेरा बड़ा भरा है, वो रहे, बैकबोन रहे आपकी वो। लेकिन इस ट्रस्ट की भी उन्होंने बागतौड़ जो है वो अपने हाथों में संभाल कर बहुत खूबसूरत तरीके से उसको चलाया। इसरारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं आज बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इब्रारुल हक साहब के बड़े भाई हैं, ये आपके लिए प्राउड तारुफ है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह आपने खुद इतने सालों में ये ट्रस्ट एस्टेब्लिश करने के बाद वो पूरा एक जो रिस्पेक्ट है इंसानियत की खिदमत की वो आपने कमा ली। उससे पहले मेरी परवरिश में भी इनका वालिदैन के बाद मेरे आठ, मेरे सात बहन भाई हैं, मुझे डाल के हम आठ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें परवरिश का में बड़ा अमल दखल है। ये जमीयत में होते थे तो इन्होंने जो मैंने पहले तकरीर अपनी स्कूल में क्लास टू में की थी, और जिसमें मैंने बड़े अशार और धुआंधार तकरीर करके मैं स्टार बन गया ओवरनाइट स्कूल के अंदर, वो इन्होंने सिखाई थी मुझे। तो वो स्टेज पे जाके बोलना जो है वो वालिदैन को तो शौक था ही, लेकिन इनकी चूँकि उस वक्त एक जमीयत, एक ऐसी मुनज़्ज़म जमात है जिसमें फ़न तकरीर जो है उनका एक खासा है, तो वो भी इनकी तरफ से मुझे हासिल हुआ। जबरदस्त। तो फिर काबिले फ़ख्र आपके लिए भी हैं ये, और आप इनके लिए भी हैं। एसआर भाई ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जी थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वाले दोस्तों को आज का ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोलती हैं, और तारीफ तो आप बहुत ही अच्छा करते हैं, और मैं तो चाहता था कि मैं इस तरह के अल्फाज आपसे सीखूं कि किस तरह से आप इतनी तारीफ कर रहे हैं। हालांकि बंदे ना कुछ होता नहीं है, लेकिन आप लाई का फाड़ रहे हैं। मैं अच्छे लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूं, और मैं अच्छे लोगों के काम को बहुत अप्रिशिएट करती हूं, खास तौर पर जब वो आवाम के लिए, जब आप इंसानियत की खिदमत। इंसान कुछ नहीं कर सकता, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है ये सर सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और अल्लाह ने अपना निज़ाम चलाना होता है, उसने बंदे चुने होते हैं, और हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये नेकी का काम हमसे ले लिया, किसी से भी ले सकता है। और इब्रार का गाना गाना, और इस फैमिली से गाना गाना जिसको कोई पसंद नहीं करता था गाना गाना, और फिर गाना गाने के बाद इस फील्ड में आ जाना, जो मैं मुखालफत कर रहा था इसके इब्रार के गाने की, साथ मिल जाना, ये कभी सोचा नहीं था ना कभी प्लान किया था। ये सब चीज़ें बगैर प्लान के चली, हमारी तरफ से बगैर प्लान के चली, लेकिन वो तकरीर लिखने वाला जो कातिब तकरीर है उसके प्लान में कहीं ज़रूर था, इसलिए ये सारा कुछ हो गया। हम तो सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और पूरी कौम का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने सपोर्ट, कंधे से कंधा मिलाया और सपोर्ट किया। मुझे एक फनी वाक्या याद आ रहा था। मैंने कहा हम गुफ्तगू इस तरह की कर रहे हैं ना कि लोग सुनते हैं, यार ये गल्लां पहला भी सुनिया ने कई बार। सर आप जब दोबारा बात करते हैं ना, वो लगता है पहली दफा। मैंने आपका कितनी दफा इंटरव्यू किया, मुझे हर दफा मुलाकात में कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है, कुछ ना कुछ नई बात जो है वो मुझे एंटरटेन करती है। तो आई एम श्योर लाहौरी तो आपको पता है कि आपके बड़े दिलदादा हैं, फैन हैं। इसरार भाई ने अभी कहा ना कि म्यूजिक का मैं भी मुखालिफ था सारे के खिलाफ, ये चूंकि जमीयत वाले थे ना, जमीयत वाले हमेशा मुखालिफ ही होते हैं, तो बड़े भाई जो थे वो जरा लेफ्ट साइड वाले थे, तो आप उनके साइड पे हो गए थे, तो मैं म्यूजिक करते वक्त उनके साइड पे हो गए, तो मुझे दोनों तरफ, मैंने दोनों एंगल बड़े करीब से देखे हुए हैं। तो बल्कि मैं ये भी कहता हूँ मेरे चचा पॉलिटिक्स में थे, तो हमारी फैमिली आपने पॉलिटिक्स वो तीसरा एंगल भी देख लिया, और दोनों भाई फौजी थे, तो मैंने एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिक्स को भी बड़े करीब से देखा घर के अंदर। और जब ये देखा आपने कि एक पॉलिटिकल वर्कर और एक फौजी जब मिल जाते हैं तो फिर सहारा भी ग्रो करता है, तो इसी तरह मुल्क भी ग्रो करेगा इंशाल्लाह, ये जब दूरियां नज़दीकियों में बदलेंगी इंशाल्लाह। गहरी बात की आपने। ऑन द लाइटर साइड जो मैं बात करने जा रहा था, ये म्यूज़िक के ख़िलाफ़ थे,
तो एक साहब मेरा गाना लेने के लिए आ गए बिलो दे घर, थोड़ा गाना चाहिए जी, मेरी फिल्म जो है बड़ी हिट हो जाएगी उससे। तो इतफाक से टहलते टहलते ना ड्राइंग रूम में सरार भाई भी आ गए। हाँ जी क्या हाल है, क्या हो रहा है? मैं कहा जी वो मेरा गाना लेने के लिए आए हैं। कहते हैं गाना ले किस चीज़? मैंने कहा फिल्म में डालेंगे। कहते हैं लो फिल्म छुपा दो। पहले इन्हें इन्ना बदनाम किया सानू, हूँ ये गाना तुम फिल्म छुपाओगे ये होर ज़्यादा मशहूर हो जाएगा। तो वो बंदा देखता रहा। अब वो बड़ा कोई विटी सा इंसान था, मुल्ला चिल्ली उसका नाम, और बड़ा कमाल मजाया सा फनकार टाइप आदमी। तो वो देखता रहा कहना तुसी गाना फिल्म च पा दो, कमाल कर दो। तो वो आगे से कहता था अच्छा फिर तुसी फिर मसीत च दे दो। हंसी आई थी इस बात पे या नहीं? सरार भाई की भी हंसी निकल। असल में मेरा मतलब ये मेरा कहने का मकसद ये था, गाना गाया है, हाँ, आप चाह रहे थे उसको लो एंड पे रहे, लो एंड पे रहे, ज्यादा लोगों को ना हो गया गाना, किसी को पता चले ना चले। कुछ लोगों को पता चल गया, उसमें बैकलैश भी आया, लोग फादर से कहते थे कि ये देखे जी आपके बेटे ने गाना गाया। वो चचा मेरे आ गए जो सियासत में उस वक्त थे, कहने जी बदनाम कर देता फड़ के। मैंने कहा अभी इतना जो बैकलैश आ रहा है वो संभाला नहीं जा रहा, और जो कहते हैं अभी फिल्म में दे दो, फिल्म में दे दो, फिर बड़े पर्दे पे भी नजर आए। चाचा जिनका बेटा बाद में खुद गाने लग गया, वो कहते थे तू मेरी सियासतदार सिगरेट पीते थे, बेड़ा गर्क करके रख। तो ना बाद में ना मैंने कहा चाचा जी हुण दसो तुसी, कहंदे सो अपना कि सियासत च मेरा बेड़ा गर्क कर देता है, तो तुहाडा बेटा ते आप म्यूजिक च आ गया। तो कश मार के कहते हैं आई हैव चेंज माय माइंड। चलें, वही जो बैकलैश था फैमिली की तरफ से, रुकावटें थी, वो आज पूरी की पूरी फैमिली माशाल्लाह ना सिर्फ आप पे फख्र करती है बल्कि आपके इस प्यार को जो लोग आपसे करते हैं इंजॉय भी करती है। लेकिन इसमें ना अभी भी इस वक्त फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं पसंद करते, जो मेरी सिस्टर्स हैं वो अक्सर कहती रहती हैं इमरान बस करना छोड़, क्या कर रहा है बस, अभी नया गाना निकाल देता है तो वो उस वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर देती। जो जो हज करने के लिए गई है जब डॉली, तो मैंने कहा मेरे लिए दुआएं की थी? हाँ मैंने तुम्हारे लिए बड़ी दुआएं की थी। मैंने कहा क्या दुआ की? कहती मैंने दुआ की या अल्लाह मेरे भाई से इसका म्यूजिक छुड़वा दे, इसको सीधे रास्ते पे चला दे, क्या मेरी नई एल्बम आने वाली है। चलें नई एल्बम के बारे में भी हम बात करेंगे, और अभी रिसेंटली जो आप सोशल मीडिया सेंसेशन बने, जो आपने अभी एक और गाना जो है वो बदोबदी, मुझे बड़ा पसंद आया पर्सनली। इब्रार भाई मैं आपको ऑफ एयर भी बता रही थी अभी कि मैंने खुद अपनी गाड़ी में बड़ी दफ़ा सुना है और मुझे पता ही नहीं था, लेकिन जब मैंने आपका सुना तो मुझे बड़ा मज़ा आया, और मुझे अभी भी बड़ा मज़ा आता है। फुल ऑफ एनर्जी एंड ज़बरदस्त तरीके से जो आपने वो किया है, गाना गाया है, वो बड़ा मज़े का लगा। इस पर भी हम बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मुझे दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और आप यकीन करें कि जितनी ऑनियर बातें मज़े की हो रही हैं उतनी ऑफियर बातें मज़े की हो रही हैं, और अच्छे अच्छे खूबसूरत लोग जब आपके मेहमान हो तो आप उस टाइम को इन्जॉय करते हैं। आप ये नहीं कहते कि जल्दी जल्दी टाइम ख़त्म हो और हम जो है वो आगे चलें, क्योंकि पिछली ब्रेक में काफ़ी देर से प्रोड्यूसर साहब मेरे कान में चीख रहे थे लिटरली कि ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो, MCR बोल रहा है, और मैं इब्रार भाई और इसरार भाई से बातें कर रही थी। अच्छा इब्रार भाई, अभी मैं जब से बात कर रही थी, अक्सर लोग वैसे ना मैं इस पर भी नाराज़ हो जाते हैं कि हम स्टार्स को भाई क्यों कहते हैं। I call you that very comfortably. नहीं comfortable. उसकी रीज़न ये है कि आपकी पर्सनैलिटी और माशाल्लाह आप जिस तरह से सामने वाले को ट्रीट करते हैं ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, एंड आई एम श्योर ये इट केम फ्रॉम योर फैमिली, आपकी परवरिश, आपकी ट्रेनिंग, ये सारा कुछ। अब मैं आ जाती हूँ जो ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कर रही थी कि गाना किसने आइडिया दिया था वैसे आपको कि ये गाना जो बदोबदी आप कह रहे हैं, मैं तो ये तो बदोबदी किसी ने रिकॉर्ड करवा लिया ना, बदोबदी का मतलब होता जबरदस्ती, मतलब मैं बैठा हुआ हूँ बादशाह के पास और हमें एक गाना बना रहे, तो वो आजकल शरारती से बच्चे होते हैं ना ये जो टिकटॉकर्स, हाँ वो आया हुआ था, कहता है ब्रार भाई ये आइडिया बनाए, आप थोड़ी सी एक्टिंग करनी है, ये गाना बड़ा चल जाएगा। तो मैंने कहा मैं नहीं उस तरह गाऊंगा इस तरह वो करता है ना, आए हाय ओए ओए बदो, मतलब एक्चुअली उसके बाद मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं करना। कहता चलें आप वो ना करें, आप एक्चुअल मैडम नूरजहां को वो थोड़ा सा ट्रिब्यूट पेश करें। मैंने कहा हाँ ये हो सकता है कि लोगों को पता तो चले यार मैडम का मजाक उड़ रहा था ना एक तरह से, मैंने कहा ओरिजिनल कर लेते हैं वो। लेकिन मैं जब करके घर आया तो चला वो, तो उन्होंने कहा ये आपने क्या कर किया गाना,
वो उनको तरीका है, अब आप ये इस तरह के गाने गाएंगे, आप ये तो आप जान घर वालों ने कहा, घर वालों ने सब ने कहा। मैंने कहा अच्छा, फिर मुझे इस तरह लिखा अच्छा नहीं लगता मुझे फिर। हाँ। तो मुझे खैर, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा है, लेकिन उसका रिस्पांस बहुत जबरदस्त था। हाँ, और देखो उसमें मैं समझता हूँ कि मैडम को ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश में हुआ ये था कि वो लोगों ने गाना सुन लिया, जो आज की पोत थी उसने तो सुना नहीं हुआ था एक्चुअल गाना, उनको तो पता नहीं था कि ये गाना एक्चुअल पीछे क्या है। जब इब्रार ने गा दिया तो मैंने भी उसे कहा कि यार तूने क्यों किया, लेकिन बाद में ये फीडबैक मिली कि बहुत सारे बच्चों को या यूथ को या आपकी एज के लोगों को भी ये नहीं सुना हुआ था। हाँ। तो जो उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा अच्छा ये गाना एग्जिस्ट करता था, तो फिर उनको पता चला ये एक्चुअल बजाय इसके कि जैसे आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहत फतेह अली खान की बात करें, जिन्होंने ये गाना और मिलियंस में भी उनकी हिट हो गई, बेचारों की वीडियो डिलीट कर दी, यूट्यूब ने कॉपीराइट्स पड़ गए उनको और वो काफ़ी परेशान भी थे, हम एज अ सिंगर क्यों लेते हैं उनको? वी नो ही इज नॉट अ सिंगर, ही इज एन एंटरटेनर। तो हम एंटरटेनर के तौर पे क्यों नहीं? और अभी आप वो बात क्यों नहीं करती जो हम ऑफ द एयर कर रहे थे कि इसरार भाईजन से बड़ा चाहत फतेह अली खान कोई नहीं। आप यकीन करें मेरे भाई से आप सुन लें तो ये ट्रिलियंस में ना गए इसके व्यूज। तो आप मुझे अक्सर बेहतर मुझे कहता है भाई सुना दें, मैंने सुना दें कुछ फिर। मैं कहना खरी खरी सुना सकता हूँ गाना। बाय गॉड, मतलब आपने चाहत फतेह अली खान को अब सुना ना। हाँ। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो मतलब ये आपके घर के चाहत फतेह अली खान है। मैंने ये मैंने इसका इजहार जो है ना मुख्तलिफ अल्फाज के अंदर कई बार कर चुका हूँ मैं टीवी इंटरव्यूज में। तो मेरे दोनों बड़े भाई जो है ना एक से एक बढ़ के बेसुरे हैं, चाहत हैं, बेसुरे हैं, चाहत हैं, ये अच्छा लफ्ज है वैसे। ऐसे ही हैं बेसुरा, मैं कह नहीं सकता क्योंकि हम वाकई बेसुरे हैं। अल्लाह ताला की देन होती है, हर बंदे को अल्लाह ने गला नहीं दिया। लेकिन शौक है गाने का, कभी गाया? बस शरारते करने का शौक होता था। हाँ। जब कहीं फैमिली में बैठे हुए हैं तो गाने गा रहे हैं तो किसी से कहना इब्रार तुम सुनाओ या फलां तुम सुनाओ, तो वो नखरे करते मेरा गला खराब है या मैं, तो मैं शुरू हो जाता था। तो फिर आवाज भी ऐसी क्योंकि आवाज थी नहीं। हाँ। और मुझे बाज का अक्सर बेहतर बोल भी पूरे नहीं आते थे, एक आध गाया फिर ऐसे आए बाएं शाय मारनी। तो फिर मुझे कहते थे यार तू तो बंद कर इसको गाने दे, मैं कहता ये शुरू करेगा तो मैं बंद करूंगा वरना नहीं करूंगा। तो वो इस तरह का शुगल लगाया। लेकिन इब्रार भी वैसे ऑनेस्टली उसको एज अ एंटरटेनमेंट लेना चाहिए, जो लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं बहुत सीरियस लेके। एक चीज याद रखें, अगर कोई लोगों को पसंद आ रही है, किसी लोगों के चेहरों पे हंसी के लिए मुस्कुराहट लेके आते हैं, लोग इतने डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, परेशान होते हैं, तो चंद लम्हे के लिए वो भूल जाते हैं अपने गम। तो मैं कहता हूँ उसने कौन सा जुल्म किया है। और उसको एंजॉय करें, और असल चीज़ जो उसकी जो हिलेरियस है ना वो उसका गाना नहीं है, वो उस तरह के गाने पे उसका कॉन्फिडेंस है और उसका खुद एतमादी है और उसके ऊपर उसका जम जाना है। हाँ। कि मैं ये गा के इसके ऊपर मुतमइन हूँ। हाँ। उसका जो असल इत्मीनान है ना exactly. उसको लोग एंजॉय करते हैं। हाँ। कि ये गा के इतना इत्मीनान, इतने कॉन्फिडेंस से, इतने खराब तरीके से गाना गा लेते हैं और अपने आप को मतलब ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत बड़े सिंगर। मतलब वडायत साहब अगर उसका इंटरव्यू करें तो वो यही कहेंगे कि इस तरह का बेसुरा गाकर इतना इत्मीनान अजीब तो लगता होगा। सही बात है, वैसे बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे बताएं, आप शुरू से माशाल्लाह इतने सुर में जब गाते हैं कोई भी गाना, नया एल्बम बनाने के लिए, नई चीज करने के लिए, फिर से शुरू से सोचना पड़ता है कि अब मुझे यू नो आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, इस दफ़ा मुझे बिल्कुल ही कोई मतलब वो डायरेक्शन कहाँ से आती है? जब तो आप म्यूज़िक बनाने की नीयत से म्यूज़िक बनाते हैं ना, फिर कोई नहीं बनता, ना लिखा जाता है ना कुछ। हाँ, अगर आपको कोई असाइन करता है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर गाना लिख के दे, जैसे लाहौर कलंदर आया मेरा दोस्त आतिफ, इकरार भाई लाहौर कलंदर पर गाना बना, मैंने कहा लाहौर कलंदर पे क्या गाना बनाऊँ मैं यार, कहते हैं आप से बेहतर कौन बना सकते हैं, आप तो खुद कलंदर हैं। मैंने कहा अच्छा ये तो तुमने मुझे न्यूज़ ब्रेक की है। मैंने कहा नहीं नहीं सही सही बता, कहता नहीं नहीं सीरियसली आप कलंदर बन के सोचे यार आप जैसे सच। मैंने कहा फिर उसमें तो फिर नथिंगनेस आ जाएगी उसमें फला। तो आपने फिर लाहौर कलंदर का गाना सुना, वो बड़ा बड़ा हिट हुआ, वो हिट हुआ, तो उसमें थोड़ा सा वो वाला पार्ट था, हो कलंदर जिगड़ कलंदर जिगड़ हमारे कलंदर फेफरे कलंदर दिल में रहते चीड़ के देख ले, लाहौरी टच भी देना था लाहौर कलंदर का। फिर दूसरे उसमें मैंने सही कह दिया, और
तेरी जीत में मैं जीतूं, मेरी में पाकिस्तान है, जीत रहा है, जीत रहा है, जीत रहा है। मतलब आपको कोई असाइन करे या वो करे तो आप तो उसके ऊपर बन जाता है, लेकिन मैं खुद से कोई गाना बनाने की कोशिश करूंगा, बैठूंगा ये वो कि मैंने हिट गाना बनाना है तो नहीं। ऑटोमेटिकली अगर मेरे पे कोई चीज आ रही है, जैसे तेरे रंग रंग आ गया, जैसे सिचुएशन से एक चीज निकल आई, मिठाई पड़ी आई, जबरदस्त ट्रैक हो, भीगा भीगा सा दिसंबर इस तरह से आ गया, एयरपोर्ट पे बैठे सानू तेरे नाल प्यार हो गया, यू नो प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर ले, एक होटल में हम लोग बैठ के कार्ड्स खेल रहे हैं और बात बात में इस तरह कर रहा हूँ तो प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर ले आ गया। नच पंजाबन नच जो है वो एक और गाना बना रहा था मैं, है मैं कब्जा कर ले स्टेशन से, मैं गड्डी आप चलावा गाड़ू, मेरी साइकिल हौली चलदी सी, मैं गड्डी फुल पजावांगा, साइकिल ते बंदे दो बंदे, मैं पूरी कौम बिठावांगा, मैं झूले माइया दे दांगा, मैं सब नो ऐश करा दांगा। टक 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 टक। तो मेरा दोस्त था टीपू कजम, कहता है विरार भाई अच्छा है लेकिन पंजाबी टच नहीं आ रहा। मैंने कहा हूँ थोड़ा जया म्यूजिक नू दे दे वो पंजाबी टच, वो बन गया पंजाबन, वो बन गया। तो यू नो एक सिचुएशंस जो है ना वो खुद कभी भी कुछ भी क्लिक कर जाता है। तो बिलो के बारे में क्या क्लिक किया था? ये मैं वॉक कर रहा था उस वक्त, तो उस वक्त मेरे ज़हन में आया असा जाना जग 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 किन किन जाना जग 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 असा। और बिलो का बैंड मैंने बिलो के घर उसी वक्त ही तकरीबन। हाँ जबरदस्त जी, ये स्टार की पहचान होती है। और आप देखें कि हर ट्रैक के बारे में उन्होंने बताते हुए मुझे साथ साथ पूरा उसका रेफरेंस बैकग्राउंड बताया। ओरिजिनलिटी यही चीज़ होती है, और फिर साथ गा के भी दिखाया। अक्सर जब हम मिलते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो हमें ऑफ एयर ही मना कर रहे होते हैं गाने का ना कहना, गला ख़राब है, और हर दफ़ा ये सेम एक्सक्यूज होता है। उसकी रीज़न ये, वी अंडरस्टैंड दैट कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी और चीज़ें, अच्छी बात है, वो उनकी चॉइस है करें, लेकिन मैं वैसे ही आपको एक ओरिजिनल पीस, मास्टर पीस जो है वो दिखा रही हूँ, जो अब इस सदी में शायद कम है, लेकिन ऐसे लोगों को अल्लाह ताला सलामत रखे और उनकी इज़्ज़तों में इजाफा करे जिनकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन होता है, और जब उनके नाम के साथ पाकिस्तान का नाम आता है तो हम सबको बड़ा फ़ख्र भी आता है। यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और इस बार भी इस दफ़ा आपने ईद पे बड़ा एक ज़बरदस्त काम किया, जो मैं बड़ी कम फाउंडेशंस और ट्रस्ट और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को देखती हूँ कि ईद पे नॉर्मली या तो सिर्फ डोनेशन इकट्ठे किए जाते हैं कि हम अपना जो रेगुलर काम है वो जारी रखें। आपने इस दफ़ा जो कुर्बानी वाला एक सिलसिला जो आप करते हैं उसमें सारा का सारा गोश्त जो बांटा, उस पर मैं बात करूँगी। एक ब्रेक लेनी है, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, उम्मीद है आप ना सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे होंगे बल्कि अपनी खुशियों में, इन सेलिब्रेशंस में सबको साथ लेकर चल रहे होंगे, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ जो है वो एक बहुत बड़े जेस्चर के तौर पर किसी के लिए साबित हो सकती है। और इस बार भी जैसे मैं अभी ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रही थी कि जो कुर्बानी का एक सिलसिला है, मैंने नहीं देखा कि ये कहीं और होता है कि जानवर कुर्बान किए जाते हैं ईद पर बाकायदा, और उन लोगों का ख्याल रखा जाता है, सारे के सारा गोश्त जो है वो तकसीम कर दिया जाता है, और ना सिर्फ एक सेंटर में बल्कि डिफरेंट जगहों पर। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए बड़े अरसे से हम ये कर रहे हैं जी, तकरीबन 15 साल हो गए इस काम को करते हुए, क्योंकि हर साल बड़ी ईद के ऊपर हम मुख्तलिफ सेंटर्स पर कुर्बानी देते हैं, लाहौर में, नारोवाल में, मुजफ्फरगढ़ में, वहाँ पर मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, देहातों के अंदर जहाँ पर लोगों के पास गोश्त नहीं पहुंचता, तो उन जगहों पे हम गोश्त, क्योंकि बेसिकली होता यह है कि बाहर से जो पाकिस्तानी लोग कुर्बानी देना चाहते हैं वो हमें पेमेंट भिजवा देते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर से भी ऐसे लोग हैं जो पेमेंट भिजवाते थे, उसके लिए फिर हम कुर्बानी के बकरे जानवर लेके, बड़े जानवर लेके, वो कुर्बान करके उनको छोटे पैकेट बना के फिर देहातों में जाके बांटते हैं उन लोगों के पास जिनके पास कोई नहीं पहुँचता, क्योंकि सहारा का जो बेसिकली स्लोगन है वही है कि रीचिंग दी अनरीच्ड, जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। सैलाब आए, फ्लड आए, या वैसे भी कोई ऐसे हालात आए, तो हमारा फोकस होता है कि उन एरियों पे जाया जाए जहाँ पे मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन वो करते हैं उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे ईजी होता है, तो हमारी कोशिश होती है कि वहाँ पर जाया जाए। तो हम फिर इसलिए हर साल ही ये कुर्बानी जो करते हैं, कुर्बानी बेसिकली हम बात कर रहे थे गोश्त के अलावा, जो इब्रार ने भी शुरू में बात की, नफ्स की कुर्बानी है और अपने आप की जो बंद
बंदा सोचता कि मैं बड़ी चीज़, उसकी कुर्बानी है। हमारे मज़हब के अंदर दो जो माह ऐसे हैं, आखिरी माह और पहला जी, मुहर्रम का महीना और ये सबक देते हैं हमें अपने आप को पूरा साल कैसे गुजारना है, कुर्बानी का, कुर्बानी कैसे करनी है। यानी हमारा साल शुरू भी कुर्बानी से होता है और आखिर भी कुर्बानी पे होता है। दोनों माह हमारे शुरू से लेकर आखिर तक यादगिरी करवाते हैं कि हमने अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करना है अल्लाह की राह में। और फिर ना सिर्फ अल्लाह की राह में कुर्बानी है, लेकिन अपने आप को किस तरीके से लेके चलना है दूसरों के लिए। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, बेसिकली ये एक मैं इसे अगर ये कहूँ कि ये एक मंबा है कुर्बानी करने वालों को दिखाने के लिए कि ये है, लोग पैसे देते हैं, अपना टाइम देते हैं और वो भी कुर्बान करते हैं। किसके लिए? अल्लाह को खुश करने के लिए, उसकी मखलूक के थ्रू उसको राज़ी करने के लिए। देखिए इस वक्त अगर मैं देखूँ तो 60 लाख लोगों का इलाज हो चुका है वहाँ पर, 600 बेड का हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तरह की ट्रीटमेंट। मैं बड़ा दावा तो नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर जो काम कर रहे होते हैं वो जो मुझे क्या क्या आते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं जो पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने काम किया होता है, वो आके मुझे बताते हैं कि ये मॉडल हमने पूरे पाकिस्तान में लिया जिस तरीके से ये काम कर रहा होता है। तो फिर हमें एहसास होता है कि वाकई अल्लाह ने हमसे कोई ऐसा काम ले लिया जिससे उसकी मखलूक जी। और सर अल्लाह ताला ने तो आप लोगों को चुना, उसके लिए आपको मुबारक कि आप उन ब्लेस्ड लोगों में से हैं कि जो लोगों के लिए सहारा बन रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि जब आपने ये शुरू किया था इब्राहिम भाई, बड़े लोगों ने कहा कि कोई नहीं होना, ये आगे नहीं जाना, इतनी कौन करेगा। और आपने इतने सालों के बाद माशाल्लाह वो ना सिर्फ उनको गलत साबित किया बल्कि उन लोगों को अपना फॉलोअर बना लिया अच्छे कंडक्ट से। तो ये एक पूरा सेटअप जो बिल्कुल छोटे से एक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हुआ, मुझे याद है आप लोग उन्होंने जिस तरह से डोनेशन इकट्ठे किए, लोगों को मोटिवेट किया, स्कूल ट्रिप्स किए, कॉलेज ट्रिप्स, यूनिवर्सिटी ट्रिप्स, आपको याद होगा कि आपने कितनी मेहनत, पूरे टूर्स लगाए पूरे पाकिस्तान में। और आज लोगों की मोहब्बत और एतमाद का ये लेवल है और ट्रांसपेरेंसी जो कायम की आप लोगों ने, जो ट्रांसपेरेंट शफाफ तरीके से पूरे उन फंड्स का इस्तेमाल किया कि लोग बाहर से भी आप पर ट्रस्ट करके पैसे भेज रहे हैं और वो अब सिर्फ आपके नाम के साथ ही नहीं, अब वो सहारा फॉर लाइफ के ऊपर एक ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस इदारे में हो, सिस्टम्स आपके दुरुस्त हों, बिल्कुल काम आपने किया हो, खुद आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया हो, क्रेडिबल लोग इन्वॉल्व हों, तो फिर ट्रस्ट करना मैं समझता बनता है। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि मैं भी जब किसी को देता हूँ या कोई मुझसे मांगता हूँ, मैं ये 2-3 चीज़ें देखता हूँ, तो फिर आपका ट्रस्ट, फिर आप मतलब वैसे तो आप अल्लाह के लिए देते हैं, लेकिन आपने वैसे ही दे देते हैं चलो बगैर देखे, लेकिन अगर आपने 1,00,000 रुपया देना है तो आप एक दफ़ा देखते हैं अच्छा यार मैं किसको दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, ये सही जगह पे। तो इसलिए ये 2-3 चीज़ें ज़रूर देखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे यहाँ पे, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और अच्छे लोगों के साथ वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है कि समझ नहीं आती है। मुझे लग रहा है ये हमारे प्रोग्राम की लास्ट ब्रेक है और गुफ्तगू जो है वो हम बड़े मज़े की हर तरह की हर दौर की बात कर रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी मॉडर्न दौर की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बात हुई, कॉन्सर्ट्स की बात हुई। तो इब्राहिम भी आपके चाहने वाले हमेशा कुछ ना कुछ आपसे सीखते भी हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो कोई एक छोटा सा मैसेज जो इस ईद पर आप ख़ास तौर पर लाहौरियों को कहना। अब इस दफ़ा लोगों के हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हैं, तो बड़े लोग हैं जो साल भर में गोश्त नहीं खा सकते, तो बस बात वही है कि शेयर ज़रूर कर लें लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा, फ्रीज़र भरने की बजाय। और दूसरा हमेशा के लिए मेरा एक पैगाम होता है, इखलाक अच्छा कर लें थोड़ा सा ना, हम अपना अपनी जैसे पहले भी बात हो चुकी है, नबी पाक सल्लम ने फरमाया अच्छे अखलाक वाले जन्नत लूट कर ले गए। तो सेल्फलेसनेस, और हमें घर से 3 चीज़ें मैंने सीखी हैं, वही अगर मैं कहूँ, एक तो नमाज़ नहीं छोड़नी कभी, फैमिली वैल्यू सिस्टम, रिलीजियस वैल्यू सिस्टम, नंबर 2 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान की रट थी, बांगे दराब वाले जिब्राइल पढ़ना लाजमी था, और इंसानियत से प्यार, वो हमने देखा अपने अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब को। यानी अखबार में ख़बर आई है तो बस उलट गई है, तो वो आंसुओं से रो रहे हैं,
क्या है बेख्तियार बंदे, तो मैं हम सोचते हैं तो आजकल देखे कोई ऐसे करता है कभी, ऐसे सेंसिटिव लोग थे वो इंसानियत की खिदमत करते हुए हमने देखा। तो ये तीन चीज़ें याद रखें, अल्लाह कामयाबी देगा, अल्लाह कामयाबी देगा। और बड़ी खूबसूरत बात की आपने, और ख़ास तौर पर आजकल जो एक जनरेशन चल रही है ना, पहले जेन जी आई, उसके बाद मिलेनियल्स थे हम, और फिर अब जनरेशन अल्फ़ा चल रही है, उन लोगों में ये सेंसिटिविटी, उन बच्चों की तरबियत में ये सेंसिटिविटी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडवांसमेंट और मॉडर्न दौर में हराम और हलाल का हमें बताया गया था, जैसे गंदा गोश्त को हम खा भी लें तो वॉमिट कर देते हैं, तो जो हराम के पैसे हैं उनको भी उसी तरह समझें, आप करोड़ों को भी ठोकर मारें उसी तरह से, तो फिर आपको अंदर से अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो फिर दुनिया आपके कदमों में। बिल्कुल सही। इस आई भी आपकी तरफ मैं आऊंगी, एक छोटा सा मैसेज जो आप देना चाहें। देखिए मैसेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज के दिन के हवाले की मुनासबत से मैं ये कहूँगा कि कुर्बानी वाले दिन, ईद वाले दिन सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। इस्लाम के अंदर, हमारे मज़हब के अंदर सफाई निसफ ईमान है। बिल्कुल। लेकिन हमने देखा और देखते हैं कि खालें और उनकी अलाइशेज और इतनी बदबू फैल जाती है पूरे एरिया के अंदर कि लोग बीमार हो जाते हैं। इसके लिए भी आज का एक दिन रहता है, बाकी भी कुर्बानी के लिए लोगों को चाहिए कि हर घर को, हर महल्ले को, हर स्ट्रीट को अपना घर समझें, अपनी स्ट्रीट समझें, और इसका खास ख्याल रखें, सफाई का खास ख्याल। बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया जी। अपना मुल्क समझें, अपना शहर समझें, जिस तरह घर में पानी मार के हम फौरन से कुर्बानी का सामान, जो कुर्बानी के बाद की सारी अलाइशें और गंद है बाहर फेंक देते हैं, तो जो गली गंदी हो गई है वो भी आपकी अपनी है, सो मेक श्योर करें कि वो भी साफ़ हो, प्रॉपरली उसको डिस्पोज ऑफ करें। बड़ा अच्छा मैसेज दिया सर। अब मैं आपकी तरफ आऊँगी और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी सब लाहौरियों की तरफ से कि हमारा ईद का दूसरा दिन जो है वो आपकी खूबसूरत बातों से, उसको चार चांद तो लग ही गए, लेकिन असल चार चांद लगेंगे जब हम आपसे कुछ सुनेंगे। ज़रूर। एक AI, आपने मेरा कलाम सुना होगा, जिन लोगों ने नहीं सुना, वो इश्क रंग के नाम से, उसको ज़रूर YouTube पे जाके सुने, वो बड़ा उसमें मैसेज है और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, वो मैं ज़रा सा सुनाता हूँ। ज़रूर। इंस्पायर्ड बाय आपदा परवीन साहिबा। मेरा दिल यार दे रंग विच रंगे, नाग जुदाई वाला डंगे। मेरा दिल बस यार दे रंग विच रंगे, यार दे रंग विच रंगे। मेरा दिल यार दे रंग विच रंगे। ये जिंदगी के मसायब, ये फलसफे न सुना, तू मेरा है कि नहीं है, सवाल इतना है। हो इजाजत तो ढूंढ लूं खुद को, हो इजाजत तो ढूंढ लूं खुद को, तेरे अंदर मैं खो गया हूँ कहीं। ओ मेरा दिल यार दे रंग विच रंगे, नाग जुदाई वाला डंगे। मेरा दिल बस यार दे रंग विच रंगे। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ़ आवरी के लिए। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमेशा नवाजता रहे कि आप लोगों की खिदमत करते रहें और अपने कामों से एंटरटेन करते रहें, या अपनी खिदमात से उनकी ज़रूरियात पूरी। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। आमीन। जो लोग कैद में हैं वो निकल आएँ, बिलखसूस हमारी ख़वातीन, जिन लोगों की भी कुर्बानियाँ हैं अल्लाह उनको कबूल मंजूर फरमाए, जो अंदर रह के कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो किसी वजह से अंदर नहीं जा सके बाहर रह के कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इदारे चला रहे हैं, इदारे बंद ना होने के लिए की कोशिश में वो
बाहर हैं उनकी भी कुर्बानी अल्लाह कबूल आमीन, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। बिल्कुल, और नाज़रीन आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, ईद का तीसरा दिन भी खूब अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और सबको साथ लेकर चलिए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।